राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा नोटबंदी से खून के आंसू रो रहा है गांधी परिवार, 3 लाख फर्जी कंपनियां हुई बंद, नोटबंदी का फायदा अगले 20 साल तक मिलेगा। शिवसेना की मांग, नोटबंदी पर आरबीआई की रिपोर्ट को लेकर संसद में हो चर्चा, संजय राउत ने नोटबंदी में कई लोगों की जान को बताया अपराध जो कई है। कोघू की बैठक में कांग्रेस नेताओं की राहुल गांधी को सलाह, आरएसएस के कार्यक्रम का निमंत्रण न करें स्वीकार, आरएसएस जहर की तरह है। आईबी ने गृह मंत्रालय को नक्सली साजिश के 5 मास्टरमाइंड के बारे में नाम बताए हैं, वकील से लेकर नागपुर का एक प्रोफेसर भी शामिल, भीमा कोरेगांव हिंसा के सबूत मिले। सामने आई कॉम्रेड सुधा की कॉम्रेड प्रकाश को लिखी चिट्ठी, अर्बन कार्डर शब्द का इस्तेमाल, लिखा कश्मीरी पत्थरबाजों की तरह कॉम्रेड के पैकेज होते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने के प्रस्ताव पर कमीशन की मोहर, सरकार की रिपोर्ट। लालू यादव का रांची की सीबीआई की विशेष अदालत में सरेंडर, पहले भेजा गया बिरसा मुंडा जेल, फिर इलाज के लिए रिम्स अस्पताल लाया गया। आजम खान के गढ़ रामपुर में जाकर अमर सिंह का हमला, हिंदू समाज का अपमान करने का लगाया आरोप, बोले हिंदुत्व का कुंभकर्ण जागेगा और आजम खान जैसे लोगों को निगल जाएगा। काठमांडू में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन शुरू, पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद के खिलाफ भारत बिम्सटेक देशों के साथ। पीएम ने बिम्सटेक में कहा हम सभी देश आतंकवाद और ड्रग्स कारोबार से प्रभावित, इसके लिए साझा फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। पीएम मोदी ने कहा पड़ोसी देशों से संबंध मजबूत बनाना भारत की प्राथमिकता, सम्मेलन का मकसद बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शांति और खुशहाली बढ़ाना। बिहार में 20-20 सीट के फॉर्मूले से चुनाव लड़ेगी बीजेपी, 40 में से 20 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बिहार में जेडीयू को 12 सीट देगी बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को 5, पासवान की पार्टी एलजेपी को 2 सीटें देने का फॉर्मूला, सूत्रों के हवाले से खबर। रुपए में आज भी लगा रिवर्स स्केयर, रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया भाव, $1 का भाव 70.87 रुपए तक लुढ़क गया। अटल बिहारी वाजपेयी की पहली मासिक पुण्यतिथि को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी, 4000 जगहों पर दी जाएगी काव्यांजलि, 17-25 सितंबर तक मनाएंगे ये सेवा सप्ताह। दिल्ली में ट्रैफिक जाम पर सुप्रीम कोर्ट का नई पॉलिसी बनाने का आदेश, थानों में जब्त वाहन की कुछ ही महीनों में हो नीलामी ताकि ज्यादा वाहन जब्त कर सके पुलिस। दिल्ली में एससी एसटी कोटे की नौकरियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्रीय कोटे की एससी एसटी सूची में शामिल लोग ही हकदार, एक राज्य का आरक्षण दूसरे राज्य की नौकरी में जरूरी। जल्द शुरू होगा सरकारी बैंक के विलय का दूसरा चरण, वित्त मंत्रालय ने आरबीआई से मांगी जानकारी, सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 होगी।